नमस्कार, 29 जून 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आर्थिक मंदी का पूरा इलाज अभी नहीं हुआ, कहा ओबामा प्रशासन के वरिष्ठ सलाहकार डेविड एक्सेलरॉड ने। पाकिस्तान को अमेरिकी सहायता को लेकर भारत की चिंताएं, यूपीए प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी अमेरिकी अधिकारियों के सामने। और पॉप के शहंशाह माइकल जैक्सन की मौत के दुख से नहीं उभरा अमेरिका, मौत के कारणों का पता लगाने के प्रयास जारी। वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं अंशुमान आपटे। अब खबरें विस्तार से। ओबामा प्रशासन के एक वरिष्ठ सलाहकार डेविड एक्सेलरॉड ने कहा है कि आर्थिक मंदी का खतरा अभी भी बना हुआ है और आने वाले समय में अमेरिका को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ओबामा प्रशासन ने मंदी के हालात से अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए 787 अरब डॉलर का पैकेज मंजूर किया था, जिसके निवेश की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन इसके बावजूद पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी कि बेरोजगारी की दर आने वाले दिनों में 9.4% से बढ़कर 10% तक बढ़ सकती है। स्थिति से निपटने के लिए जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद का और एक पैकेज तैयार करने की बात राष्ट्रपति ओबामा ने कही है, लेकिन एक्सेलरॉड ने कहा है कि ऐसे पैकेज की जरूरत फिलहाल नहीं दिख रही। यूपीए के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के सामने पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता के सिलसिले में भारत की चिंताएं रख दी हैं और कहा है कि अमेरिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सहायता भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। सिंघवी भारत की ओर से येल विश्वविद्यालय के पार्लियामेंट्री लीडरशिप कार्यक्रम में हिस्सा लेने अमेरिका आए हैं। उनसे बात की वीओए हिंदी की निहारिका आचार्य ने। आप अमेरिकी नेताओं से मिले, कांग्रेस के लीडर से मिले हैं, आप सरकारी अधिकारियों से मिले हैं, भारत अमेरिका संबंध हो और इस सिलसिले में अमेरिका का क्या भूमिका हो सकती है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये बातचीत फिर से शुरू हुई है उस सिलसिले में क्या बातचीत हुई? इस प्रोग्राम में एक है ज्यादा कंसेप्चुअल और एक एकेडेमिक विषयों पे डिस्कशन जो विचार विमर्श येल में होता है और दूसरा है नीति और उस नीति को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया जो डीसी में होती है। डीसी वाले प्रोग्राम में हम विविध सरकारी कर्मचारियों से मिले और सेनेटर से भी मिले, कांग्रेसमैन से भी मिले। हमने पुरजोर तरीके से, स्पष्ट तरीके से और बड़े प्रभावशाली और सीधे तौर पे भारत के कई कंसर्न्स को उनके सामने रखा। विशेष रूप से उदाहरण के तौर पे, उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, अफपाक नीति में हमने ये स्पष्ट कर दिया कि जहां भारत को तालिबान के विरुद्ध कोई भी प्रोग्राम करने में कोई आपत्ति नहीं है और यूएसए का समर्थन उस विषय में हमें कोई आपत्ति नहीं लगती, लेकिन साथ साथ हमें इस बात का एक डाउट है, एक प्रश्नचिन्ह लगा इस बात पे कि माकूल ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं, नीति है, जिससे कि इस समर्थन को पाकिस्तान परोक्ष या सीधे रूप से भारत के विरुद्ध इस्तेमाल न कर पाए, इसके सेफगार्ड्स कहाँ हैं, ये हमने बड़े स्पष्ट रूप से यूएसए के सभी लोगों को बोला। इसी प्रकार से हमने बड़े स्पष्ट रूप से उनको जो कृषि के विषय में सब्सिडीज हैं WTO नेगोशिएशन में, उसके बारे में बोला, भारत के स्टैंड को उजागर किया। इसी प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज में जिस प्रकार से यूएसए अपने कार्बन एमिशन्स को कम नहीं कर पाया है, उस विषय को हमने बड़े पुरजोर रूप से रखा। मैं समझता हूं कि यूएसए के विरुद्ध, नीति के विरुद्ध जो कई भारत के स्टैंड्स हैं उनको स्पष्ट रूप से रखने में हमें कोई आपत्ति नहीं हुई और यूएसए के सभी लोगों ने बड़े ध्यान से इसको सुना और समझने का प्रयत्न किया। क्या कहा उन्होंने जब आपने ये कहा कि सेफगार्ड्स होने चाहिए? उन्होंने हमारा मत समझा, हमारा एक नजरिया समझा, हमारा दृष्टिकोण समझा, उसके ऊपर विचार विमर्श किया, बहस हुई, जिरह हुई, उनका खुद का मत रखा और अंत में एक पहले से काफी बेहतर एक समझ एक दूसरे के दृष्टिकोण की हुई। हमारी इस पूरी बातचीत को देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए, पता है www.voasamachar.com। माइकल जैक्सन के निधन से अमेरिका में लाखों लोग अभी भी शोक में डूबे हुए हैं। उधर उनकी मौत के कारणों को लेकर विवाद भी बना हुआ है। लॉस एंजलिस पुलिस ने कहा है कि माइकल जैक्सन के शव की दोबारा जांच होगी। लॉस एंजलिस काउंटी के मृत्यु समीक्षक का कहना है कि टॉक्सिकोलॉजी और दूसरे परीक्षणों के परिणाम आने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। माइकल जैक्सन की मौत की वजह स्थगित है, इसका मतलब ये हुआ कि जांचकर्ताओं ने और परीक्षणों का आदेश दिया है। माइकल की मृत्यु के समय सिर्फ डॉक्टर कॉनराड मुरे मौजूद थे और माइकल के परिवार वाले और उनके दोस्तों को माइकल की मौत से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया है।
उनके परिवार वाले जानना चाहते हैं कि डॉक्टर मुरे ने क्या इलाज किया था, माइकल को अगर इंजेक्शन दिया था दर्द कम करने के लिए तो कितने इंजेक्शन दिए थे। राष्ट्रपति ओबामा ने माइकल जैक्सन की मौत पर शोक व्यक्त किया है। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव को आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, पता है www.voasamachar.com। लेकिन अभी इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।